नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा पंचमी विषय गणित, कालांश आज है 27। पूर्व कालांश 26 में प्रश्नावली 5.2 में हमने गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। दो संख्याओं में तुलनात्मक गुणनखंड, दोनों का समान गुणनखंड, सबसे छोटा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। आगे प्रश्नावली 5.2 में ये प्रश्न है जिनको आज अपन हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, सबसे बड़ी संख्या जिसका 45 व 75 दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। अब इस प्रश्न को अपन अगर देखते हैं, हल करते हैं, किस प्रकार इसमें उत्तर आएगा अपन का। 45 के गुणनखंड लिखते हैं तो मैंने बताया था सर्वमान्य गुणनखंड एक तो है ही, दो का भाग 45 में जाता है, दो का पाढ़क होने पर 45 आता है। किसी संख्या का ऐसी संख्या जिसका दो बार पाढ़क होते हैं 45, कोई संख्या नहीं है। अच्छा, तीन का पाढ़क 10 बार होते हैं तो 45 आते हैं, 30 आते हैं, और 15 बार बोलते हैं तो 45, 15 × 15 = 30, 45 यानी तीन का पाढ़क में 45 आ रहे हैं। चार में नहीं आते, 4 × 10 = 40, 11 × 4 = 44, 8 × 4 = 48। अच्छा, आगे आता है पांच, पांच का पाढ़ा 9 बार बोलते हैं 45 आते हैं। छह का पाढ़ा 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42 नहीं आता है। सात का पाढ़ा 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49 नहीं आता है। आठ का पाढ़ा 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 नहीं आ रहा है। 9 का पाठ अगर तुम 5 बार बोलते हैं तो 45 आते हैं। 10 के पाठ में कोई गुंजाइश ही नहीं। 11 का पाठ 4 बार बोलते हैं 44 आते हैं। 12 के पाठ में नहीं आता, 13 के भी नहीं आता, 14 में नहीं, 15 में आता है। 15 का पाठ 3 बार बोलते हैं 45 आते हैं। अब आगे 16 का पाठ 3 बार, 17 × 51, 18 × 36, 19 × 38, 20 × 40, 21 × 42, 22 × 44, 28 × 46 हो रहे हैं आगे संख्या। आगे इसका मतलब है आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 45 के गुणनखंड होंगे, लास्ट में 45 ही बचते हैं। तो अपन ने अब गुणनखंड निकाले 45 के, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। अब इसी प्रकार अपन 75 के गुणनखंड निकालेंगे। एक, दो का 75 मेरे जा रहा है, विषम संख्या है ज्यादा तो विषम में आएगा। तीन, 25 का पाढ़ा 3 बार बोलते हैं 75 आते हैं। पांच का पाढ़ा 15 बार बोलते हैं 15 × 75। नौ के पाढ़े में 75 नहीं आते, 9, 8, 72। 10 में 75 नहीं आते, 11 में नहीं आते, 12 में नहीं आते, 13 में नहीं आते, 14 में नहीं आते। 15 का पाढ़ा 5 बार बोलते हैं 75। 16 में नहीं आते, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 20 में नहीं, 21 × 42, 21 × 63 नहीं आ रहा, 21 × 84 बोलते हैं। 22 में नहीं आएंगे, 23, 24, 25 का पाढ़ 3 बार बोलते हैं 75 आते हैं। 30 का पाढ़ 2 बार बोलेंगे 30 × 60, 31 × 62, 33 × 66, 34 × 68, 35 × 71, 36 × 72, 38 × 74, 8 × 76। अब इसके आगे आदि संख्या आ गई है तो सीधे अपन यहां पर 75 लेंगे। अब एक ऐसे समान गुणनखंड देखेंगे अपन, एक
तीन पांच और पंद्रह। अब प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 व 75 दोनों में भाग पूरा पूरा जाता है। अगर अपन 15 को लेते हैं तो 15 का 15, 15 दुना 30, 15 तीन 45, 15 का पहाड़ा तीन बार बोलते हैं तो 45 आ जाता है। और 15 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं 75 आ जाता है। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। वो सबसे बड़ी संख्या अथवा वह सबसे बड़ी संख्या है बराबर 15। यह अपन का प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न क्या है? दूध की 2 गैलों में क्रमशः 20 व 30 लीटर दूध भरा है। कितना लीटर? 20 व 30 लीटर। बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो 2 केलों के दूध को पूरा पूरा नाप सके? इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे ध्यान से देखना। बीस के गुणनखंड 6 में 20 नहीं आते, 7 में नहीं आते, 8 में नहीं आते, 9 में नहीं आते, 10 में आते हैं, आदि संख्या हो गई और 20। ये 20 के गुणनखंड हो गए। आगे है 30 के गुणनखंड। आज की प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।